अरे जवाब वैसे ठीक है। अब एक चीज हमको बताओ आप, एक ये क्या लिखा हुआ है? चंद्रमन चमन रमन सात हाथ सात कमल कम गमला कमला पानी सात साथी हाथी। साथी का क्या मतलब होता है? साथी इधर हो इधर उसमें आओ, कल देखना तुम अपने मोबाइल या टीवी में कि हम क्या बोल रहे थे। साथी का मतलब, अरे आपके साथी बहुत सारे होंगे कि नहीं है? चलिए बैठिए आप लोग, आप सुनिए सुनिए इधर आइए इधर। आप तीसरी क्लास में हो है? कोई कविता आपको याद है? है? कितना पाठ तक आपको पढ़ाया गया? सोलहवीं पाठ तक। सोलह पाठ तक। कोई हिंदी की किताब हमको दो, पूरी बुक खत्म हो गई ये। लाती कहाँ से हैं आप लोग? सर जैसे बीआरसी से या कोई जो हिंदी मीडियम है स्कूल, वहाँ से कह रहे के जो बुक बच जाता है इसका वही वाला ले लेते हैं हम लोग, तो उसी से पढ़ाते हैं। उससे हिंदी पढ़ाते हैं। और लाइब्रेरी की बुक है उससे पढ़ाते हैं। लाइब्रेरी का बुक आप लोग कैसे, आप लोगों को मिलता है? सर बीआरसी से मिलता है, कुछ हम लोग परचेज करते हैं। आप खरगोश और हाथी आपने पढ़ा है, इसका पूरा पाठ का मतलब क्या है, इसमें क्या बताया गया? खरगोश और हाथी के कहानी आपको पता है? है? बताइए तेजी में बताइए। खरगोश और हाथी की कहानी, खरगोश और हाथी की कहानी, उसके बारे में क्या बताया गया है, याद है कुछ? उस कहानी में मतलब क्या पढ़े हो, पूरा उसका क्या है? जो मैडम कह रही है वही। कोई भी हम हट जाए, आप चली आए, आप पूछ लीजिए। बताओ खरगोश और हाथी कहानी क्या है? अच्छा कौन सा पाठ है आपको ये पता है? सब डर जाते हैं। प्रार्थना याद है? चलो बताओ प्रार्थना कहो। पहले सही से खड़े हो जाओ, सही से खड़े हो जाओ। प्रार्थना याद है ना? पढ़ो अपने बुक की पहले पहला पॉइंट। एक मिनट बेटा पढ़ो, प्रार्थना यही याद है? अपने बुक का पहला पॉइंट सुनाओ, क्या है सुना दो। नहीं याद है सर? क्यों भाई?
अपने नाम का मतलब तो याद रखो, इसके क्या लिखा हुआ है। ये शर्ट किसका है? है तेजी में बोलो, हमको सुनाई नहीं देता। मेरा मेरा आप ही का है। तो ये शर्ट यहाँ पे जैसे ये लोग पहन के आए, दिखाओ भाई, ऐसा शर्ट आपको भी मिला था, तो वो क्यों नहीं पहन के आया? फट गया है यार, तो हर साल देते हैं, क्यों सारे फट गए? सर अब गवर्नमेंट पैसा देती है, इस बार अकाउंट में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आता है, वो इनके माता पिता के उसमें जाता है, गार्जियन के। जी जब दिए ही नहीं आपको लाके, अब की बार नहीं दिए? अपने पिताजी का आज नंबर बताओ, उनसे बात करेंगे कि क्यों नहीं लाके दिए भाई। तो इस पे लिखा क्या है आपको पता है? कभी पढ़े कि नहीं कि हम क्या लिख के लेके आप पढ़ के घूम रहे हैं? नहीं है? नहीं। अच्छा, एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं पता आपको? एक महीने में कितने दिन होते हैं पता है आपको? नहीं। अच्छा, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? सात दिन। और सातों दिन का नाम बता दो। संडे, मंडे, ट्यूसडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे और क्या थे? वेंसडे। ये कौन सा डे होता है? सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, शनिवार। ठीक। ऐसे भी उसको सही से बोलो, कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखा कैसे जाता है पूरा? सोम, मंगल, बुध ऐसे लिखा जाता है क्या? जैसे लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं बोलते? जैसे बोल रही है ना, सोमवार ऐसे कहते हैं ना उस, ऐसे आगे बताओ। शनिवार। अच्छा, ये आप लोग पढ़ते नहीं हो या आप लोगों को टीचर पढ़ाते नहीं है, या टीचर आप लोगों को बताते हैं लेकिन आप लोग उसको सुनते नहीं हो, इसमें क्या दिक्कत है? आप लोग नहीं पढ़ रहे हो कि टीचर नहीं पढ़ा रही है? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तीसरी क्लास में हो, क्लास में जाओ बेटा, क्लास में जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना बेटा, पढ़ाई करो बेटा। अब की बार आएंगे तो सब कुछ बताओगे हैं? जो नहीं आता है वो मैडम है आपकी, उनसे पूछा करो, एक बार, दो बार, चार बार, और अगर वो नहीं बताए तो हमको बताना, कि हम पूछ रहे थे लेकिन बता ही नहीं। ठीक है ना? ऐसा है कि हमने नहीं बताया है। ठीक है, जाओ बैठो आराम से, पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए आपके दूसरे क्लास में आते हैं, आ जाइए, आ जाओ मैडम। रहने दीजिए सर।